पाकिस्तानी फौज ने खोईरट्टा सेक्टर में पेशकदमी करना शुरू कर दी है। आर्मी चीफ ने LOC पे जाकर अपने जवानों को शाबाशी दी। जवानों के साथ ईद भी मिले, खाना भी खाया। इसके अलावा पाकिस्तान ने LOC के मुख्तलिफ सेक्टर पर 4 मुख्तलिफ डिवीजन तैनात करके भारत की सफों में मातम बखेर दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और चाइना ने किस तरह का अलायंस बनाकर भारत के दांत खट्टे कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम भारत की बौखलाहट का और उसकी बुजदिली का भी खुलासा करेंगे कि किस तरह भारत अपनी बुजदिली, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए पाकिस्तान और चाइना के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी आर्मी की। तो पाकिस्तानी आर्मी ने खोईरट्टा सेक्टर में पेशकदमी करना शुरू कर दी है। खोईरट्टा सेक्टर में पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी अगली पोजीशन संभाल ली है। चेक पोस्टों पर पाक फौज के जवान तैनात हो चुके हैं। पाक फौज ने LOC के मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर 4 ब्रिगेड भी तैनात की हैं, जिनमें 28 PR, 40 RT रावला कोट में 2 ब्रिगेड के साथ 9 PR, बिम्बर में 4 ब्रिगेड के साथ 15 लाइट इन्फेंट्री शामिल है। नाजरीन, आपको ये बता दें कि ये तमाम की तमाम ब्रिगेड पहले ईरान के बॉर्डर के साथ पाकिस्तानी फौज ने तैनात कर रखी थी। अब चूंकि भारत ईरान से निकल चुका है, भारत को ईरान वालों ने जूते मार के बाहर निकाला है, इस वजह से पाकिस्तान की फौज जो कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर तैनात थी, अब उसको निकाल कर कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर में तैनात करना शुरू कर दिया है। भारत ये तमाम तर कहानी देखकर बौखला गया है और कह रहा है कि चाइना की जो स्ट्रेटेजी है, चाइना का जो वार प्लान है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ सरहदों पर जाकर प्रोपोगेट कर रहे हैं। नाजरीन, आपको ये बता दे कि आर्मी चीफ ईद के रोज जवानों के साथ LOC के ऊपर मौजूद थे, जवानों का हौसला बढ़ाया, जवानों को शाबाशी दी और उनको बताया कि भारत के साथ हमने जंग करनी है, अगर भारत ने पाकिस्तान की सरहदों की तरफ मैली आंख से देखा भी तो। नाजरीन, इसके अलावा पाकिस्तान को चाइना LOC के ऊपर भरपूर मदद फराहम कर रहा है। इतलात ये है कि रजौरी सेक्टर पर मौजूद पाकिस्तानी आर्मी को चाइना ने अपने खतरनाक सर्विलेंस सिस्टम से लैस कर दिया है। बहुत सारे हथियार चाइना की आर्मी ने पाकिस्तान की फौज को दिए हैं और ये हथियार ज्यादातर अब LOC के ऊपर मौजूद फौजियों के पास हैं और पाकिस्तानी आर्मी भारत के खिलाफ इन हथियारों को इस्तेमाल करेगी। इन चाइनीज सर्विलेंस सिस्टम को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगी क्योंकि भारत लगातार पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से नुकसान पहुंचाने की कोशिशों की फराग में था। अब चूंकि पाकिस्तान के पास जबरदस्त किस्म के खतरनाक सर्विलेंस सिस्टम आन पहुंचे हैं, चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है, पाकिस्तान ने वो सर्विलेंस सिस्टम कश्मीर के अंदर डिप्लॉय कर दिए हैं, भारत की एक एक मूवमेंट पर अब पाकिस्तान नजर रखेगा। भारत इस तमाम तर डेवलपमेंट को देखकर पाकिस्तान और चाइना के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक अलायंस और एक मजबूत मुस्तहकम तहरीक चलाकर भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान और चाइना के ऊपर ये भी इल्जाम लगाया है कि चाइना पाकिस्तान की मदद से कश्मीर के अंदर दहशतगर्द तंजीमों को एक्टिवेट करके भारत के अंदर दाखिल करवाना चाहता है। भारत ने ये भी दावा किया है कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर में 50% दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड तैयार किए जा चुके हैं, उन पर 300 से ज्यादा दहशतगर्द मौजूद हैं। पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन करके इन दहशतगर्दों को भारत के अंदर भेजकर भारत की तबाही करेगा। इस तरह के इल्जामात भारत ने पाकिस्तान और चाइना दोनों के ऊपर लगाए हैं। नाजरीन, सबसे ज्यादा जो भारत को दर्द हुई है वो चाइना ने जो पाकिस्तान के फॉरवर्ड बेसिस पर मौजूद फौजियों को अपने सर्विलेंस सिस्टम से लैस किया है, इससे हुआ है क्योंकि भारत की अब एक एक हरकत, एक एक जो इन्होंने नाकाम साजिश करनी है, उसकी खुलासा पाकिस्तानी आर्मी अपनी सरहदों के अंदर बैठकर करेगी। आप इस तमाम तरह डेवलपमेंट को किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। जजाकअल्लाह।